हेलो फ्रेंड, मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कस्टम कर्सर क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। कस्टम कर्सर बेसिकली वो लोग यूज करते हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं या टीचिंग करते हैं। वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसको इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उसको इंस्टॉल करने से कभी कभी वो वर्क नहीं करता है और बिना मतलब का हमारा जो सी ड्राइव है वो भर जाता है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे माउस सेटिंग, यहाँ पे एडिशनल माउस पे जाएंगे। यहाँ से माउस प्रॉपर्टी के अंदर पॉइंटर के टाइप को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विंडोज़ ब्लैक लार्ज ऐसा करके यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये एक्चुअली विंडोज़ 10 के सॉफ्टवेयर में जो इनबिल्ट कर्सर्स के ऑप्शन रहते हैं वो है। यहाँ पे आप कोई सा भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। मेन पॉइंट हमारा है कि हाउ टू हाईलाइट द कर्सर, तो उसके लिए हम जाएंगे क्रोम ब्राउजर में और सर्च करेंगे RW डिजाइनर और पहले लिंक पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम RW डिजाइन ग्राफिक्स करके एक वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे गैलरी के ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कर्सर्स के ऑप्शन अवेलेबल है, आपको जो भी चाहिए आप डाउनलोड करके यहाँ पे अपने विंडोज़ 10 में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी हाईलाइटर सेट कर्सर डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे उसका 6.2 KB का है। अभी चाहे तो डाउनलोड कर सकते, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। इस कर्सर को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इन सभी कर्सर्स को कॉपी कर लो। कॉपी करके विंडोज सी में जाएंगे, वहाँ पे विंडोज के फोल्डर में एक कर्सर्स का फोल्डर दिख जाएगा, यहाँ पे आप उस कर्सर को पेस्ट कर दो। देखो ऑलरेडी मैंने पेस्ट करके रखा है, इसके लिए ये रिप्लेस दिस फाइल डेजिग्नेशन बोल रहा है, तो मैं कट कर देता हूँ, आप पेस्ट कर देना। और फिर उसके बाद हम जाएंगे माउस सेटिंग में। माउस सेटिंग में जाने के बाद एडिशनल माउस ऑप्शन में जाके उसके बाद हम जाएंगे माउस पॉइंटर पे। यहाँ पे विंडोज 10 में बहुत सारे इनबिल्ट कर्सर्स रहते हैं, तो उसमें से आप कौन सा भी आप सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे सबसे पहला जो नॉर्मल सेलेक्ट करके है उस पर क्लिक करो और ब्राउज ऑप्शन में चले जाइए। ब्राउज ऑप्शन में जाने के बाद आप देख सकते हैं कि विंडोज 10 में जहाँ पे हमारा कर्सर का फोल्डर है वहाँ पे वो रीडायरेक्ट कर चुका है। अब यहाँ पे हमको इसको ड्रैग डाउन करना है और जो भी हमारा कर्सर है हमने जो कॉपी पेस्ट किया है वहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी कलर हमको चाहिए कर्सर का वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे ब्लू है, येलो है और जो भी आपको पसंद आए वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कर्सर सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो ब्लू वाला कर्सर सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन अप्लाई कर देंगे। देखिए हमारा कर्सर आ चुका है। हम लोग देख लेते हैं कि पॉइंटर कैसे बनाते हैं। पॉइंटर एक बेसिकली एक इमेज ही होता है। चलो हम एक अपना खुद का एक पॉइंटर बना के देखते हैं, अपना डिजाइन किया हुआ। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे पेंट में। पेंट में जाने के बाद इस पेज को रिसाइज करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को चेक कर देना और पिक्सल को 31 प्रेस ओके। देखिए हमारा पॉइंटर जितना बड़ा होता है उतने ही साइज का ये हमारा ये पेज का है सेटिंग हो गया है। तो हम अभी खुद का पॉइंटर बनाएंगे। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, दूसरा ये ले लेते हैं,
ब्लू ले लेते हैं और ये यहाँ पे रख देते हैं और इसको सेव कर देंगे ब्लू करके, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। ये हमारा एक पीएनजी फॉर्मेट में सेव हो चुका है, देखिए इधर पीएनजी। अब हम ब्राउजर ओपन कर लेंगे यहाँ पे और हम सर्च करेंगे पीएनजी टू आइकॉन कन्वर्टर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाले पर क्लिक करके अंदर जाएंगे, फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्लू पीएनजी ओपन एंड स्टार्ट कन्वर्जन। देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है 3.93 केबी का, देखो डाउनलोड हो चुका है। इसको हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं समझने के लिए, और इसके एक्सटेंशन को चेंज करेंगे। और लिखेंगे हम CUR कर्सर। अगर आपका एक्सटेंशन का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, इसके लिए कोई भी एक फोल्डर ओपन कर लेंगे और व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ से ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे एंड चेंज फोल्डर सर्च ऑप्शन को क्लिक करेंगे। यहाँ पे व्यू ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए हाइड एक्सटेंशन फॉर नो द फाइल टाइप, यहाँ पे इसको अनचेक कर देंगे और अप्लाई कर देंगे तो आपको एक्सटेंशन दिखने लगेगा, ठीक है। अभी हमारा CUR फॉर्मेट में हो चुका है और उसके बाद हम वापस यहाँ से सर्च कर लेंगे माउस सेटिंग एंड एडिशनल माउस ऑप्शन में जाएंगे, वापस से माउस प्रॉपर्टी के अंदर पॉइंटर टैब पे जाके यहाँ पे चूज ब्राउजर करके आप डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पे से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारा ये इधर यहाँ पे रखा हुआ, इसको ओपन कर लीजिए और ये देखिए और अप्लाई कर देंगे, देखिए अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।